नाउ क्वेश्चन 26 में राइट हम लोग क्या करेंगे तो के वेरी सिंपल भाई पीडीएफ लेके बैठना। क्वेश्चन 26 जो काफी ऑर्डिनरी किस्म का क्वेश्चन है, बैग कंटेन थ्री रेड बॉल्स, बराबर थ्री रेड बॉल्स एंड फाइव ब्लैक बॉल्स। इसी हफ्ते अगर अपना ये पेपर खत्म हो जाता है तो मैं गाला का भी स्टार्ट करवा दूंगा। थ्री रेड बॉल्स एंड फाइव ब्लैक बॉल्स, अ बॉल इज ड्रॉन एट रेंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। तो पहले रेड की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, तो टोटल बॉल कितने हुए राइट, टोटल बॉल एट बॉल्स हो गए, क्यों तो के थ्री प्लस फाइव, तो टोटल बॉल एट और रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी थ्री। दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, ये कोई क्वेश्चन हुआ छोटे बच्चों का है, नॉट रेड मतलब रेड नहीं है वो, तो वो कौन है, ब्लैक है, मतलब कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, फाइव अपॉन एट। तो अब तो बहुत सारे का आंसर भी आने लगा है, सब बच्चे तैयार है। 26 का और भी है क्वेश्चन नंबर 26, इसका और है, वो भी प्रोबेबिलिटी ही है। अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडी ओनली, एक बैग में सिर्फ लेमन कैंडी है, ये टेक्स्ट बुक का ही है, तीसरी चौथी बार आ जाता है। मालिनी टेक्स वन कैंडी राइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज कैंडी, ऑरेंज कैंडी है ही नहीं अंदर, तो हाथ निकाल के कितना भी तला से राइट आपकी लेमन कैंडी आने का, ऑरेंज कैंडी लेमन में से निकलने की प्रोबेबिलिटी जीरो राइट, और लेमन कैंडी ही निकले तो के लेमन ही अंदर पूरी लेमन लेमन भरा हुआ है, तो इट्स अ श्योर इवेंट और ये इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। चलो तो ये एकदम घिसे पिटे क्वेश्चन आपके चले गए। अब देखो 27, क्वेश्चन नंबर 27 में 10 ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इज गिवन, आपको दूसरा फाइंड करना है। तो पी एक्स ध्यान से देखना, एक्स क्यूब माइनस 8x² प्लस 19x माइनस 12, 10 इज 4, तो 10 इज 4, इसके दो क्वेश्चन है, दो पार्ट है, ये दूसरा उस तरफ करूंगा, दैट मींस x माइनस 4 इज अ फैक्टर। ये आप लोग शायद पिछले साल सीखे होंगे, इफ 4 इज ए 0 राइट, मतलब के p4 इक्वल टू 0, दैट मींस वो एक लेमा था, x माइनस 4 इज अ फैक्टर, ऐसा अगर आपने सुना हो तो बराबर। तो x माइनस 4 यहां से हम लोग देखेंगे, x क्यूब माइनस 8x² प्लस 19x माइनस 12। आपको लगेगा सर डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल कोर्स में नहीं है मतलब तो हम क्यों करें, बट इसका इफेक्ट चैप्टर नंबर 4 पे ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे जो आपको हेल्प करेंगे, दैट्स व्हाई डू नॉट ओमिट इट। यहां पे आ गया x स्क्वायर इंटू x, तो x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, चलो ये माइनस ये प्लस, तो ये माइनस 8 माइनस 4 आपका हो गया माइनस 4x स्क्वायर प्लस 19x, देखते हैं आप किससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो किससे करेंगे, माइनस 4x, माइनस 4x से करें तो माइनस 4x स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस 4 जा 16 हुआ, ये प्लस ये माइनस, तो 3x माइनस 12 हुआ। आप कितने से मल्टीप्लाई करें तो वेरी सिंपल, 3 से करेंगे तो 3 इंटू एक्स मतलब के 3x, 3 इंटू 4, 4 3 जा 12, वो भी माइनस 12, इसकी साइन चेंज करनी होती है, माइनस प्लस 0 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब यहां से बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स को ऐसा बोलते हैं सर ऑनलाइन क्लास में समझ में नहीं आता, अब देखो इतना इजी है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स तो एक्स क्यूब राइट, एक्स स्क्वायर इंटू 4 तो 4x स्क्वायर, इसमें नहीं समझने जैसा कुछ नहीं है, बट अगर वो गोली की तरह, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में गोली की तरह अगर अंदर पढ़ते वक्त मोबाइल लेके बैठते होंगे और गेम खेलते होंगे तो ऐसा ही रहेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसके फैक्टर होते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0, वन इज कॉमन, एक्स कॉमन एक्स माइनस 3 माइनस 1 कॉमन एक्स माइनस 3, तो आपके फैक्टर्स आए x मतलब कि कौन सा 0 आया, एक 3 आया और दूसरा 1 आया, ऐसे दो और 0 निकले, एक तो था क्यूबिक में, हाउ मेनी जीरोज आर पॉसिबल एट मोस्ट, तो 3, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बराबर।
आई डोंट वॉन्ट टू गिव आंसर, जिसने भी लिखा है बराबर, तो आई डोंट वॉन्ट टू गिव आंसर, फीस रिड्यूस करने की बात मत करो, क्योंकि मैं मार्च तक आपको नहीं पढ़ाने वाला, मई तक पढ़ाने वाला हूं. इफ यू वॉन्ट टू लिव यू मे लिव. क्वेश्चन 727 का 1, 27 का 2. P of x, x square 3 minus root 2 into x minus 3 root 2. एक जीरो रूट टू है, एक जीरो रूट टू है, मतलब कि आपका फैक्टर क्या आया, एक्स माइनस रूट टू, बराबर. ओके नाउ सर एटलीस्ट रूट सब में एक आएगा. देखो ऐसा जरूरी नहीं भी होता है, रूट्स क्यूबिक है क्वाड्रेटिक है, जरा ध्यान से सुन लो. एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, एटमोस्ट मतलब के जितने मैक्सिमम हो सकते हैं, जितना पावर है इतने रूट तो हो सकते हैं, और उससे कम भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये इसका मतलब निकलता है बराबर. चलो तो x माइनस टू से रूट टू से स्टार्ट करें, x स्क्वायर प्लस 3 माइनस रूट टू एक्स, ऐसे ही लेते हैं माइनस 3 रूट टू. इसको जरा बराबर समझना, क्योंकि ये सम कुछ कुछ बच्चों के लिए डिफिकल्ट है. अब मुझे लाना है एक्स स्क्वायर, तो व्हाट शुड आई डू, आई मल्टीप्लाई एक्स इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो गया बराबर, एक्स इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर हो गया. अब ध्यान देखो माइनस रूट टू एक्स, तो माइनस रूट टू एक्स बराबर. अब क्या करेंगे, ये जो ये एक आपका है रूट थ्री एक्स है, और दूसरा आपका मतलब कि मुझे आपको ये एक्सपांड करके देना पड़ेगा. चलो तो एक्सपांड करके देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस रूट टू एक्स माइनस थ्री रूट टू. अब जरा ध्यान से देखो, राइट, एक्स से मल्टीप्लाई किया, तो अब ये ही स्टेप है. अब मैं यहां से मल्टीप्लाई करके एक्स इंटू एक्स, मतलब मेरा आ गया एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स, तो एक बचा है ना, ये यहां कुछ नहीं है, यहां कुछ भी नहीं है, साइन चेंज करो, ये माइनस ये प्लस, तो ये गया, बचा कौन, थ्री एक्स माइनस थ्री रूट टू. अब किससे मल्टीप्लाई करना है, व्हाट शुड आई मल्टीप्लाई दिस एक्स वेस टू गेट थ्री एक्स, मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, तो यहां प्लस है और यहां पर भी प्लस है, तो प्लस थ्री, तो थ्री एक्स माइनस थ्री रूट टू हो गया, साइन चेंज, माइनस माइनस प्लस, जीरो जीरो, रिमाइंडर जीरो आ गया, मतलब आपका एक रूट कितना आया, एक्स प्लस थ्री रिमाइंडर हुआ, सॉरी रिमाइंडर नहीं, एक आपका क्वेश्चन हुआ, दैट मींस आपका रूट आया एक्स इक्वल टू माइनस थ्री. कब का दो चार बच्चों ने लिख दिया है, चलो अप्रैल से नहीं, अभी अक्टूबर एंड से. ट्वेंटी सिक्स नंबर का आपका क्वेश्चन, 26 दोनों कुछ भी दम नहीं था, और अगर आप लोगों ने देखा तो थोड़ा थोड़ा, राइट, कुछ कुछ बच्चों के लिए ये डिफिकल्ट था, राइट. तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम अभी अभी, राइट, जो अगस्त में हुई, मैं आपको वार्न कर रहा हूं बच्चों कि डोंट टेक इट लाइटली. कई लोग ऐसा है कि हम लोग पास हो जाएंगे, जैसे नाइन्थ में किया था, राइट. माय डियर स्टूडेंट्स, नेवर एक्सपेक्ट दैट. वो लोग कुछ भी पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में. तो ऐसा टेक्स्ट बुक में उन लोगों ने जो प्रीफेस चुना है ना, कि ये, राइट, प्रस्तावना, दिस एंड दैट, तो उससे क्या फलित होता है, इट इंडिकेट्स दैट इट पर्टिकुलरली आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि वो लोग अंदर से कुछ भी पूछ सकते हैं. इसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव के लिए पेपर नंबर थ्री, व्रज का पेपर नंबर थ्री, इसमें लास्ट 10 मिनट या 15 मिनट में जो मैंने आपको दिया है ना, राइट, तो वो खास देखना, उसमें बहुत सारी फॉर्मूला ओरिएंटेड हिडन क्वेश्चन है. एक्सपांड करके यहां कुछ पूछ रहे हैं अतिका सर, 27 में सेकंड में पीएक्स को ही एक्सपांड करके आंसर आएगा, तो फिर
राइट डिवीजन परफॉर्म करना पड़ेगा, जितना कर सकते हैं इतना करने का, आपको वैसे तो फैक्टराइज करके कर सकते हैं राइट दूसरी मेथड से, इज दैट क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अब आया है 28 है, मैं स्किप हो जाता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, सॉरी माइनस थ्री है, इज वन फैक्टर पी ऑफ एक्स, एक्स फोर प्लस सिक्स एक्स क्यूब प्लस टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस थ्री है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा पूछ सकते हैं, फाइंड ए एंड बी। एक्चुअली टू बी वेरी प्रिसाइज, बच्चों जरा ध्यान से सुनना, ये सब जो पेपर सेटर है वो जब आपको ऐसा करके बैठेंगे बराबर अंदर, तो पेपर एक एक चीज वो लेके बैठेंगे नहीं कि ये रिड्यूस कोर्स है रिड्यूस कोर्स है, गलती से अगर पूछ लिया ना राइट तो प्रॉब्लम, गलती से पूछ लिया तो। और ये कोई पेरेंट्स के नाम से बहुत सारे, कल जैसे पर्सवेस के नाम से बहुत लोगों ने मैसेज किया था, वैसे आज पेरेंट्स के नाम से कोई लग पड़ा है काम, पढ़ना तो है नहीं बराबर, चालू मीटिंग में डिस्टर्बेंस करने हैं। एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री, इसके पहले फैक्टर निकालते हैं, फिर दो इक्वेशन बनाते हैं, इसके फैक्टर निकालते हैं, दो रूट निकालते हैं वन बाय वन राइट, पहले एक बार रखेंगे तो एक इक्वेशन बनेगा, दूसरी बार उसका जो दूसरा रूट आएगा वो अंदर रखेंगे तो दूसरा इक्वेशन बनेगा, दो इक्वेशन बन गए, फिर बाद में एलिमिनेशन मेथड से राइट, मतलब कि इट्स अ मिक्सचर ऑफ सेकंड एंड थर्ड सम। इसके तो पहले फैक्टर तो निकाले, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो इसका फैक्टर थ्री वन जा थ्री राइट, प्लस थ्री इंटू माइनस वन आपका मल्टीप्लीकेशन माइनस थ्री, एंड थ्री माइनस वन दैट इज इक्वल टू प्लस टू, ऐसे फैक्टर निकालते हैं राइट। तो एक्स कॉमन एक्स प्लस थ्री, माइनस वन कॉमन एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू माइनस थ्री और एक्स इक्वल टू वन। ओके आपके दो रूट आ गए, अब क्या करेंगे, यहां पे बारी बारी से हम लोग रखेंगे पी माइनस थ्री, तो माइनस थ्री रेस टू फोर प्लस सिक्स, चलो यहां पे मुझे बच्चों की हेल्प चाहिए, टू ए इंटू माइनस थ्री स्क्वायर प्लस बी इंटू माइनस थ्री माइनस थ्री ए राइट इक्वल टू जीरो। चलो यहां पे मुझे आप लोग हेल्प करना, ये तो मुझे आ जाएगा 81, ये माइनस 27 इंटू सिक्स माइनस 162, 9 to 18a माइनस 3b माइनस 3a इक्वल टू जीरो। चलो माइनस 21a माइनस 3b इक्वल टू, ये माइनस 81 आया, 81 माइनस 162 माइनस 81 आया बराबर, तो आपको उस तरफ ले जाओ तो प्लस 81 हो गया। अगर आप लोग देखेंगे तो सब में राइट 333 कॉमन है, बट मैं उसको ऐसे ही रखूं, चलो कभी कभार काम लगे, अगर पीछे जरूरत पड़ी तो हम लोग 3 कॉमन निकाल देंगे, नहीं तो अगर बी ऐसे ही कैंसिल होता है बराबर। अब दूसरा फैक्टर है 1, ये काफी इजी रहेगा, पी 1 रेस टू 4 6 इंटू 1 क्यूब प्लस 2a इंटू 1 स्क्वायर प्लस बी इंटू 1 माइनस 3a इक्वल टू 0। 1 का पावर 4, 6 का पावर 1, 2a का 1, b का 1, माइनस 3a का 0। तो यहां पे आपका एक फैक्टर आया b, एक आया माइनस a प्लस b, जरा ध्यान से देखो माइनस a प्लस b बराबर, क्योंकि b के पास कुछ भी नहीं है, और 6 प्लस 1 7 पॉजिटिव है, उस तरफ गया तो माइनस 7। अब मैं यहां से 333 कॉमन निकाल दू, अगर मैं 333 कॉमन निकाल दूंगा तो ये माइनस 7a, खास देखना, माइनस b इक्वल टू 27 इक्वेशन नंबर 1। अब आपको पता चला है माइनस 8a इक्वल टू 20, मतलब कि a आपका आएगा 20 अपॉन 8, मतलब के 5 4 जा, तो माइनस 5/2 बाई, चेक करो जो जो बच्चों ने किया है, कोई लाया है आंसर,
कोई लाया है आंसर? आज कुछ लाया नहीं है, या तो जो जो बच्चे स्मार्ट है वो साइंस पढ़ रहे हैं, राइट। ए आ गया, अब हम लोग कोई बी में डाल देते हैं। आपका एक इक्वेशन है माइनस ए, तो माइनस ए प्लस बी इक्वल टू माइनस सेवन। बी को यहां पे रखने दो, ये प्लस फाइव बाई टू है, वापिस उस तरफ जाएगा तो माइनस फाइव बाई टू। एलसीएम लेंगे टू, सेवन टू जा फोर्टीन, फोर्टीन एंड फाइव नाइनटीन बाई टू। चेक कर लेना अपने आंसर, अच्छा सम है, दिस इज अ वेरी गुड सम, चेक करते जाओ आप, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई गलती नहीं है, थ्री रेज टू फोर एटी वन। ओके, सेवन थ्री जा माइनस बी ट्वेंटी सेवन, वन सिक्स टू ए बी एंड माइनस थ्री ए, तो माइनस ए प्लस बी इक्वल टू माइनस सेवन। ओके फाइन, चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज कोई बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ मैनी दे हैव ज्वाइंट, चॉइस इज देयर्स। अब 28 का फर्स्ट हो गया है, 28 का एक ही था, 29 एंड 30 मेरे वीडियो में देख लेना, राइट। कल ही मैंने वीडियो बताया है, प्लेसेस ए एंड बी वाला है, ऑलरेडी मैंने कल इसका वीडियो बना दिया है 150 किलोमीटर का, बराबर। कार ए को इसकी स्पीड एक्स किलोमीटर पर आवर, ये कार आपको वाई किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे डिस्टेंस राइट आपका क्यू लिया था, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू आप लोग लेंगे ए बी, ऐसा करके पूरा वीडियो बनाया है, सो नो नीड टू डिस्कस इट। 29 एंड 30 एक मैंने वीडियो बनाया है, राइट, वो आपको बाउंड टू सी, वो सेक्शन डी में बाहर ही पड़ा है, राइट। सेक्शन डी पूरा और सेक्शन सी में 29 एंड 30 ऑलरेडी करवा चुका हूं, राइट। जिसको देखना है, दोज आर इंटरेस्टेड, वो अंदर देख लेना, क्लियर। अब हम लोग चलते हैं 28 के बाद सीधे 29 एंड 30 मेरे वीडियोस में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार है, 31। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए 2, -5 एंड बी -2, -9। चलो फाइन, आपको आगे समझाया था कि पॉइंट विच आर लाइंग ऑन, राइट। आई थिंक आज कोई आंसर नहीं देने वाला है, तो फिर मैं आपकी चैट बंद कर देता हूं। ओके, फाइंड द पॉइंट, लेट पी बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पी एक्स कॉमा जीरो। अब दे आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, दे आर इक्विडिस्टेंस पी, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, मतलब के आपका हुआ पी ए इक्वल टू पी बी, दैट मीन्स पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर। यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला तो आनी चाहिए, एक्स माइनस टू द होल स्क्वायर, जीरो प्लस फाइव द होल स्क्वायर, एक्स प्लस टू द होल स्क्वायर एंड जीरो माइनस नाइन द होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर प्लस ट्वेंटी फाइव, पांच का स्क्वायर 25, राइट। फिर अगर आप लोग इसको देखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर, नाइन का स्क्वायर 81, पॉजिटिव होता है, एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये 4x इस तरफ गया तो माइनस 8x, ये आपका 4 और ये 4 कैंसिल हुआ,
81 में से 25 गया तो 56 हुआ, राइट। तो आपका माइनस एक्स इक्वल टू 7, मतलब के एक्स इक्वल टू माइनस 7, तो वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा -7.0। खास याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अब 31 के ऑप्शन में भी एक क्वेश्चन है, रनिंग आउट ऑफ टाइम ऐसा आ गया है, राइट। चलो, ध्रुव भी बैठा है, अतिका है, सार्थक है, वंश है, बट अभी मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स रैन अवे, आज कम बैठे हैं। क्वेश्चन 31 के बाद 32 कुछ ऐसा है जो एक्चुअली रिड्यूस सिलेबस में है, बट मैंने करवाया नहीं। 31 ऑप्शन है, ऑप्शन, यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 चैप्टर 9, ये शायद 7.3 में से है, दैट ए मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल, कर लेने में कोई हर्ज नहीं है, ये मीडियन, मीडियन मतलब डी मिड पॉइंट। मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड इज इनटू टू ट्राइंगल ऑफ इक्वल एरियाज, वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर ट्राइंगल एबीसी हुज वर्टाइस इज ए 4, -6, बी 3, -2 एंड सी 5, 2। अब जरा ध्यान से देखो इसने क्या वेरीफाई करने के लिए बोला है। ऐसा बोला है कि मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड इट इनटू टू ट्राइंगल ऑफ इक्वल एरियाज, मतलब के दोनों के एरिया इक्वल है, वो आपको प्रूव करना है। चलते हैं, पहले एबीसी का, एबीडी का एरिया ले लेते हैं, बट मिड पॉइंट क्या, फॉर्मूला क्या है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 + x2/2, 3 + 5, 8/2, 4। अभी बीच में एक स्टूडेंट मिड पॉइंट का पूछ रहा था ना, इसीलिए उसको मिड पॉइंट नहीं आता था, बराबर। तो उसने बोला, सर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट, x1 + x2/2 - 2 + 2, तो 0/2, राइट, आपका आ गया 4, 0। अब हम लोग एरिया लेंगे एबीडी का, एरिया ऑफ एबीडी, एबीडी विलियर्स, हाफ इंटू, फॉर्मूला आती है कि नहीं सर, अब तो कोर्स में नहीं है तो क्यों याद रखे, ऐसा भी है ना, ये बहुत सारी चीज, रिड्यूस चीज आपको प्रॉब्लम करेगी आगे जाके। y2 - 2, एबीडी है ना, 4 लिया, x1 ये -2 - 0, x2 3, राइट, y3 आपका 0 और y1 आपका कितना है +6 - -+6, x3 कितना है 4, y1 कितना है, y1 -6 - -+2, चलो हाफ, -8 + 18, 4 × 4 = 16, 16 + 8 = 24, -24 + 8, तो हाफ इंटू -6 आपका आंसर हो गया 3। एरिया कभी नेगेटिव नहीं आता, बराबर, एरिया इज नेवर गोइंग टू बी नेगेटिव। जिल अब आवाज आ रही है, बराबर, जिल, जिल आर यू गेटिंग मी, जिल आर यू गेटिंग मी, यस और नो लिखो, ओके। अब मैं एबी डिविलियर्स के बाद ट्राइंगल एडीसी का एरिया लेता हूं, एडीसी हाफ, दूसरी बार मैं इसका फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, ये 4 आपको लिखने का, 0 - 2 प्लस ये 4, 2 + 6 और ये 5, सी आपका 5 है, -6 - 0। चलो चेक कर लेते हैं, -8 + 32 - 30, ये भी अगर आप ध्यान से देखो तो -6, मतलब के आंसर आ गया 3, 3, मतलब के एरिया ऑफ एबीडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ एडीसी। एक और चीज भी यहां पे पूछ सकते हैं, पर अगर आपको सिलेबस में नहीं है तो, एंड दैट इज व्हाट, के इट इज हाफ द एरिया ऑफ एबीसी, एबीडी और एडीसी का एरिया हाफ द एरिया ऑफ एबीसी, ये कॉन्सेप्ट याद रखो, अगले साल कभी भी काम लगेगा, बराबर। मीडियन डिवाइड ट्राइंगल इंटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज, तो
एबीसी एबीडी तो मीडियन मतलब ये है, मीडियन का डेफिनेशन बहुत बार दे चुका हूं, अब लाइन सेगमेंट हुज वन वर्टेक्स इज द राइट एंड अदर वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू दैट, ऐसा है। तो ये आपका, अगर आप ऐसा भी पूछे कि ये एक ट्राइंगल दूसरे पूरे ट्राइंगल का हाफ द एरिया है तो भी आप प्रूव कर सकते हो बराबर, या तो ए बी ए डी सी इज हाफ ऑफ ए बी सी या तो ए बी डी इज हाफ ऑफ ए बी सी। 31 के बाद चलो सेकेंडरी आपको आ गया है स्टेटिस्टिक मैदान में राइट, यू गॉट स्टिल 4 और मिनट टू गो, लेट्स हैव अ लुक एट दिस। चलो क्वेश्चन नंबर 30 भाई, जितने अभी हैं इतने ज्वाइन करना हा बाद में। कई बच्चे भाग जाते हैं सेकंड मीटिंग में एट द प्रिटेक्स के नेट खत्म हो गया है, एक्चुअली कुछ खत्म नहीं होता है बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड और पेरेंट्स उसको कुछ बोल नहीं रहे कि व्हाई यू आर रनिंग अवे, क्योंकि पेरेंट्स घर पे होते नहीं है। चलो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर क्लास और यहां पे फ्रीक्वेंसी 15 to 20 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, कुछ आए नहीं आए स्टेटिस्टिक के आपको मार्क्स मिलने ही वाले हैं क्योंकि ये सबसे इजी है। आपका क्वेश्चन है फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट्स रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल, फाइंड द मोड एंड मीन, तो फाइंड करने लगना मोड बी और मीन बी। 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0 and 2 पहले हम लोग राइट मीन फाइंड करेंगे, मीन एक्स आई 35/2 17.5, फिर अगर आप लोग देखो तो 5-5 का गैप है तो 22.5, 27.5, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5 and 52.5। What I did? के क्लास लेंथ सभी सेम है 5-5-5, तो एक बार पहला मीड वैल्यू फाइंड करके उसमें डाल देने का राइट। अब किसी एक को सिलेक्ट करते हैं, चल इसको सिलेक्ट करें एज्यूम नंबर ए, इसके सामने जीरो होता है, यूआई इक्वल टू ये सब लिखना होता है, ऊपर आप लिखोगे नहीं मार्क्स कटेगा। ये 5 है तो -5/5 -1, 10/-2 -3 and -4, 1, 2 and 3। एफ आई यू आई करते हैं तो -12, 8 3 -24, -18 and -10, गांव भर का आपका माइनस में आया। सिग्मा एफ आई यू आई देख लेते हैं क्या है, 36, 54, 64, इसमें से 6 गया तो -58, भाई चेक कर ले जा, सर का मैथ्स बहुत पुअर है, 36 and 18, 54 and 10 राइट, और इसमें से 6 पॉजिटिव वाला है राइट। आई हैव गॉट स्टिल 1 minute and 34 seconds, और यहां पे 2 and 3, 5 and 15 and 9, 24 and 32 and 35, तो फाइंड करते हैं एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इन टू एच। व्हाट इज ए 37.5, व्हाट इज ए -58/35, और आपकी क्लास लेंथ कितनी है तो 5, तो 5 7 37.5 में से -58/7, 7 8 56 बचे 2, 7 2 14 बचा 6 राइट, 7 8 56 बचा 4, 8.285 आपका राइट आंसर कितना आएगा, 8.8 है, मतलब के आंसर तो 30 के अंदर जाएगा राइट, 30 के अंदर जाएगा, 37.5 है ना राइट, तो 37.5 में से 8.285, 5 and 5 10 and 8 and 1 9 and 1 10, 2 and 1 3 and 2
राइट, तो ये 29.21.5 ऐसा मेरा आया, और मोड रह गया वो अलग, राइट मोड रह गया, क्योंकि नाउ वी हैव गॉट हार्डली एनी मिनट्स, व्हेन यू विल कम बैक वी विल स्टार्ट दिस सम फ्रॉम हियर इटसेल्फ, राइट। फिर भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा है, तो के क्लास मॉडल क्लास 30 to 35 इतना लिख के रखता हूं। क्लास 30 to 35 था मेरा, फ्रीक्वेंसी मेरी F1 थी 10, F0 थी 9, F2 थी 3, एच मेरा था 5 और L मेरा है 30। चलते हैं Z इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। एल मतलब के 30, F1 मतलब के 10 माइनस 9, 20 माइनस 9 माइनस 3 और इधर 5, 30, 10 माइनस 9 1 इंटू 5 ऊपर 5 नीचे 8, वेरी गुड, 8 6 48, दो बचे, 8 2 16, 4 बचा 8, चलो तो ये आपका आंसर यहां पे ही मीडियन का, सॉरी मोड का आ गया। अब कभी कभार क्या करते हैं, कॉमर्स ही लेने वाली हूं, आई एम गोइंग टू टेक कॉमर्स ओनली नेक्स्ट ईयर, ओके वेल डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक नया भी आपको इन्फॉर्म करूं, अब ऐसा है नेक्स्ट ईयर से कि 10th के बाद आप राइट फाउंडेशन का दे सकते हैं, पहले ऐसा था 12th के बाद देते थे, अब नया लाए है, नया नया मतलब के दोज हु आर स्मार्ट डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न, ये सब भूल जाओ, जिनको पढ़ना है ना वो एक्सक्यूजेस कभी नहीं निकालते कि हमको ऑनलाइन समझ में नहीं आता, ऑफलाइन समझ में नहीं आता। चलो दिस क्वेश्चन हैज बीन एबोलिश्ड बिकॉज वी हैव डन इट, तो नाउ एबोलिश का सिनोनिम है टर्मिनेटेड, रिमूव, राइट, एलिमिनेटेड, टर्मिनेटेड, एलिमिनेटेड, रिमूव, इजेक्टेड, बहुत सारे ऐसे इसके प्रीटेक्स में आपको सिनोनिम मिलते जाएंगे। व्हाट इज द ग्रीवेंसीज ऑफ माइंड दैट नाउ दिस कॉन्टेम्पररी एरा स्टूडेंट्स दे आर लर्निंग एट द राइट मोमेंट व्हेन दे आर हैविंग टाइम टेबल और व्हेन दे आर हैविंग एग्जाम, पहले से सब कुछ तैयार रखने का और लास्ट में एग्जाम के टाइम पे फ्री रहने का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मीन मीडियन हो गया, ऐसा भी पूछ सकते हैं, हाँ मैं ऐसा बता रहा था कि आपको मीन पूछा मोड पूछा, दोनों आंसर आ जाने के बाद वो लोग ऐसा पूछेंगे कि वाया फॉर्मूला ऑफ जेड इक्वल टू 3m-2x बार, आपको मीडियन भी इसके साथ पूछ लेते हैं, बराबर। क्वेश्चन नंबर 33, चलो क्लास फ्रीक्वेंसी 15 to 25 स्टार्ट करो आप लोग, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75, सर कहां तक है कंटाल गए, 75 to 85, 85 to 95, तो 8 10 एक्स 25 40 y 15 और 7, इन लोगों ने ऐसा बोला है कि मीडियन आपका 58 है, चलो ये मीडियन का क्वेश्चन है मतलब, और टोटल फ्रीक्वेंसी राइट 140 है टोटल, आपको फाइंड करना है मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स एंड वाई, इसके बाद दो ही सम बाकी बढ़ते हैं। ये बीच में क्या हुआ, व्हाट हैपन इन बिटवीन, समवन हैक माय कंप्यूटर, बीच में दिखता बंद हो गया था ना सर, अगले साल से साइंस और एसएस,
नहीं भाई विलयन ऐसा थोड़ी होता है, साइंस और एसएस साथ में लेना मतलब क्या होता है। चलो 8 and 10 18 18 and 7 25 and 25 and 15 40 40 and 40 80 right? तो कुछ आंसर 105 आया, मतलब के एक्स प्लस वाई प्लस 105। चेक करते हैं वापिस, सर का टोटल हमेशा रॉन्ग होता है। 18 and 7 25 and 25 and 15 40 40 and 40 80, मेरा तो वही आ रहा है। मतलब के आपका एक इक्वेशन बना एक्स प्लस वाई इक्वल टू 35। सी एफ बना देते हैं 8 8 and 10 18 18 plus x 43 plus x 83 plus x 83 plus x plus y 98 plus x plus y and 105 plus x plus y। आपका n क्या है? तो के n is 140 my dear students, so what will be n by 2? n by 2 will be 70। अब यहाँ पे कई बच्चे 70 को ढूंढते हैं, सर 70 जैसा कुछ है नहीं, हाउ टू क्लासिफाई? तो क्लास क्लास कैसे है, जो मीडियन दे देते हैं ना वही उसका क्लास है, वो फिक्स हो जाता है पहले से मैच फिक्सिंग की तरह। मीडियन इज 58, मीडियन 58 मतलब के आपका क्लास कौन सा हुआ 55 to 65, मतलब अपने पास एल मौजूद, एन बाय टू आ गया है 70, राइट। अब इसके सामने ही एफ है तो ये 40 है, और इसके ऊपर वाला खास याद रखना, टू मच प्रैक्टिस यू हैव टू डू, एंड एच इज व्हाट 10। चलो चलते हैं, एक्स 15 20 लाके बैठ गए सर रिकॉर्डिंग, कुछ नहीं आप लोग है तो क्या गम है। अब प्रॉब्लम, अब क्या करेंगे, फॉर्मूला रखेंगे m इक्वल टू l प्लस n बाय टू माइनस सी एफ बाय एफ इन टू एच। व्हाट इज योर m 58, व्हाट इज योर l 55, n बाय टू आपका 70 माइनस 43 माइनस एच। क्यों ऐसा लिया, सी एफ पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव है, सी एफ नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, और आपका f कितना है नीचे 40, और आपका एच कितना है 10। चलो गुड, ये हो गया 3। 70 माइनस 43 27 माइनस एक्स, नीचे 4 है हाँ भाई। अब 4 इधर गया तो 4 3 12, 12 इक्वल टू 27 माइनस एक्स, तो आपका एक्स बन गया जेंटलमैन 27 माइनस 12 दैट इज 15। योर एक्स इज 15, और एक्स 15 आया तो उसमें 15 प्लस वाई इक्वल टू 35, तो मेरा तो 5 5 कट हुआ तो 3 माइनस 1 2, 5 5 कट 0, 5 5 कट 0, 3 माइनस 1 2, ऐसा कोई मैथ सिखाता है सर, y 20। चलो बहुत सारे बच्चे मेरे से पहले आंसर लेके आते हैं, राइट। तो ये था 33, 33 के बाद अपने पास दो क्वेश्चन और है 34 के दोनों प्रोबेबिलिटी के हैं, और इसके बाद लेट मी आस्क माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द वीडियो ऑफ सेक्शन डी 35 36 37 38 39 and 29 30, रेज देयर हैंड, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द वीडियो, रेज योर हैंड। No raise their hand. भाई 18 डेट को संडे है, वैसे भी संडे अपना बच गया, आप लोग की एक छुट्टी बच गई, 18 को संडे है तो संडे को अपना क्लास होता नहीं है, बराबर। 21 को एसएस है, उस दिन अपना ऑनलाइन क्लास नहीं होगा, राइट। अब चलते हैं 34। वन कार इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सफर 52 कार्स, 52 कार्स।
पत्ते भी खेला करो कभी कभार पता चले। फाइंड द प्रोबेबिलिटी किंग ऑफ रेड कलर, किंग ऑफ रेड कलर। अब जहां पे जिनका इसका नॉलेज कम है मैं आपको बता दूं, किंग वो बादशाह जैसा है ना, आप लोगों ने मूवी देखे होंगे, टॉयलेट बाथरूम जाते हैं वहां भी बाहर किंग का होता है मेल के लिए। एक रेड रेड कलर में एक हार्ट और एक डायमंड, बराबर। तो मेरा आंसर तो 2-2 कट तो 1/5 आया, सॉरी सर 1/26। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, राइट, ऐसा पूछते हैं अ फेस कार्ड। हाँ, किसी ने मुझे बीच में पूछा था फेस कार मतलब के पिक्चर कार भी होता है, राइट। पिक्चर कार मतलब के यहां पे 4 किंग 4 क्वीन और बाकी कौन बचे 4, राइट, गुलाम मतलब के जैक। 4 3 12 हुआ, राइट, पिक्चर कार। एस को पिक्चर कार नहीं बोलते, राइट, एस को पिक्चर कार नहीं बोलते, मतलब के आपका आंसर 3 4 and 13 4। आपका आंसर आ गया कैंसलेशन के बाद लाइक दैट। क्वेश्चन नंबर 3, अ रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड। अब इसको कैलकुलेट करने में गड़बड़ मत करना, नीचे 52 तो लिख ही देते हैं। देखो, दो फेस कार्ड किंग जो है दो रेड कलर के होते हैं, एक हार्ट एंड एक डायमंड। क्वीन में भी 2 होती है और इसमें भी 2 होते हैं, मतलब हाफ 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 हो गया, मतलब कि 6/52, राइट, 6/52। तो यहां पे 3 और यहां पे 26। दोज हु आर स्मार्ट सीधा डबल कर दे, राइट, वेरी सिंपल। नाउ एक और प्रोबेबिलिटी का सम है 34 नंबर का, 34। 5 कार्ड्स द 10 मतलब के 10 वाला पत्ता, फिर जैक, फिर क्वीन, फिर किंग, फिर एस ऑफ डायमंड, आर वेल सफर्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड, नीचे झुका के पत्ते की गेम खेलते हैं ना, 10 10 उल्टा, जैक उल्टा, क्वीन उल्टा, किंग उल्टा, एस ऑफ डायमंड उल्टा। 1 कार्ड देन पिक अप एट रैंडम। पहला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कार्ड इज अ क्वीन, क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो टोटल कितना है 1 2 3 4 and 5, क्वीन आने का चांस कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन इज 1/5, बराबर। चलो ड्रू सेलर, फिर वंस, फिर दिया, फिर बारूद, अतिका, बहुत सारे। नंबर 2, इफ द क्वीन इज ड्रॉन, क्वीन यहां से निकाल दी एंड पुट असाइड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस, रानी को वहां से उठा के फेंक दिया। अब मुझे आपका आंसर आपकी ओर से चाहिए बच्चों, आपकी ओर से, व्हाट कुड बी द आंसर, बोलो। 1/4, रानी को यहां से हटा दिया, पुट असाइड, तो अब कितने रहे 1 2 3 4, और एस के आने के चांसेस कितने हैं 1/4, बिकॉज क्वीन इज रिमूव्ड, वहां से उठ को हटा दिया गया। नंबर 3, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, चलिए कुछ नई बात आई, रानी को हटा दिया है, 0/0 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
नंबर फोर यहां से खत्म होता है। ऑल द स्टूडेंट्स ध्यान से सुने, एक दो मिनट, मैं आपको गाला का पेपर सेट भी करवाने वाला हूं, गाला, फिर बाद में हार्दिक, फिर बाद में लिबर्टी, मेरे पास बहुत पेपर है।
बट मैं ऑनलाइन ही करवाऊंगा सब। स्कूल 1 दिसंबर तक भूल जाना कि चालू हो, राइट? मतलब कि पूरा अक्टूबर और नवंबर भी गया। क्वेश्चन पेपर व्रज का क्वेश्चन पेपर 5। पहला ही क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स का। √9 इज अ रेशनल नंबर, तो के आपको बोलना है ट्रू के फॉल्स, इज इट ट्रू और फॉल्स? एक मिनट, बहुत सारा लिखा है बच्चों ने। ट्रू। चलो, इट इज ट्रू। नंबर टू, फॉर एन एपी 3, 10, 17, ... 353 A3 + A49 = 356 चेक करो। तो आपका A क्या है 3, D क्या है 7 और AN क्या है 353। चलो चेक करते हैं कि क्या ये सही बात है। तो के A3 मतलब के A+2D, A49 मतलब A+48। A आपका कितना है 3, D आपका कितना है 7, राइट? 48D आता है ना भाई, तो 48 × 7, 7 × 14 and 3 = 17। क्या यही आंसर है? इज इट ट्रू? यस, इट इज ट्रू। नंबर 3, नाउ मीडियन की फॉर्मूला पूछा है कि सही बात है कि नहीं। L + N/2 - CF / F (H), वेयर F1 तो लिखा ही नहीं है, या तो F इज लोअर लिमिट ऑफ सेंट्रल क्लास। F इज लोअर लिमिट, क्या लगता है आपको? इज इट ट्रू और फॉल्स? तो सब बोल रहे हैं फॉल्स, तो मुझे तो आपको देख के ही लिखना है फॉल्स। F क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होती है। और L क्या होता है? लोअर लिमिट होता है। तो उसने सिंबल बदल दिया। नंबर 4, An event having only one outcome of the experiment is called elementary event. Is it true? मैं बोल रहा हूं, क्वेश्चन बोल रहा हूं, राइट? नंबर 4, An event having only one outcome of the experiment is called elementary event. Is it true or false? चलो फटाफट बोलो। ये आज के सभी ट्रू है, इज ऑल ट्रू, एलिमेंट्री इवेंट। चलो पहले ट्रू एंड फॉल्स खत्म हो गए। नंबर 5, इफ ए एंड बी पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव है हा, वेल एक्स वाई आई प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर्स, देन HCF ऑफ A, B, एक्स क्यूब और एक्स का HCF जिसमें लो एक्सपोनेंट पावर या तो डिग्री हो उसको HCF बोलते हैं, लो सबसे कम पावर हो एक्सपोनेंट बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, पावर बोलते हैं, सबसे कम पावर तो एक्स, वाई क्यूब और वाई स्क्वायर में क्या होता है? तो आपकी ब्लैंक में आंसर आएगा एक्स वाई स्क्वायर, राइट? ऑप्शन नंबर बी, वाह, ऑप्शन बी। नंबर 6, इफ 2x + 3y, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको जरा ध्यान से देखना। एंड 3x + 2y = 3, बराबर आपको चाहिए x - y,
अब यहां पे देखना हाउ इजीली यू कैन डू। बहुत सारे बच्चे मेरे स्मार्ट है बट मैं 2-1 करूंगा, 2-1 मतलब कि 3x + 2y = 3 डायरेक्ट आंसर आएगा, देखना 2x + 3y = 7 माइनस 3x - 2x, x 2 - 3y, and 3 - 7 - 4 कई बच्चे 4 लाएंगे। ये बोर्ड में 2013 मार्च पूछा गया क्वेश्चन था, राइट? -4 इज द आंसर, टेक केयर ऑफ दिस वन, दिस इज टू गुड ए सम फॉर सम स्टूडेंट नॉट ऑल। तो 6 में आंसर आपका -4 ऑप्शन अगेन बी। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आगे मैं समझा चुका हूं। Sn - 2 Sn - 1 + Sn - 2 = - ऑप्शन दिया है 2D, D, A and A + D। दिस इज रियली गुड, मैंने पूछा भी था ऑब्जेक्टिव की टेस्ट में एपी के, राइट? और बहुत सारे बच्चों को आंसर आता भी है। 2D वाला शायद रॉन्ग है, 2D कौन है? सार्थक सील का आंसर गुड, सार्थक का भी गुड। चलो एक्सप्लेनेशन, भूल गए हो तो वापिस देखो। Sn इसको स्प्लिट करते हैं, 2 टाइम है ना, Sn - 1 Sn - 1 + Sn - 2। अब जरा ध्यान से देखना, Sn - Sn - 1 माइनस की साइन अंदर, ये अंदर प्लस और ये माइनस। आपके पास रिमार्क के नीचे राइट हैंड साइड पेज पे इन योर एपी ऐसा लिखा है कि An = Sn - Sn - 1, तो इसके बदले में क्या लिखूंगा? An। तो इसके बाद वाला है An - 1 An - 2, तो वो क्या आएगा? An - 1। और जरा ध्यान से देखो, 1, 2, 3, 4 and 5 नंबर है, हा? फोकस ओवर हियर, कैसे आया? आंसर डी है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 15 हुआ टोटल, Sn आपका 15 हुआ, Sn आपका 15 हुआ। Sn में से आगे के 4 का टोटल करो, 4, 3 and 7 to 9 and 1 10 15 - 10 तो आपका 5 आ गया, 5 कौन है? An। तो दजाओ आपकी फॉर्मूला बनती है An = all the summation - summation prior to it हो गया, तो ये आपका An आया। अब देखो आपका An कौन है? ये An आ गया। Sn - 1 Sn - 2 ये भी समझा दो, ये Sn - 1 है, 4 and 3 7 and 2 9 and 1 10 इसमें से 3 and 2 6 and 1 right 3 and 2 5 and 1 6 10 - 6 करो तो 4 आ गया आपका An - 1 An - 1 मतलब कि ये है, ये An है, ये An - 1 है, तो आ गया An - 1। और अब व्हाट इज An - An - 1 व्हाट इज An and An - 1 तो के 5 - 4 दैट इज 1, 4 - 3 दैट इज 1, 3 - 2 दैट इज 1, 2 - 1 दैट इज 1 मींस इट इज B। हेंस व्हाट्स योर आंसर? तो के D। एक्सट्रीमली गुड सम, याद रखना इसको, और जो गलती करता है वो दूसरी बार तो उसको पक्का याद रह ही जाएगा 101%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डोंट वांट योर हेल्प एप्पल वॉच। चलो नेक्स्ट वन, कहां तक हम लोग पहुंचे थे? क्वेश्चन नंबर कौन से पे आए मैं भूल गया हूं। दिस इज व्हाई याद है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, 0 to 33, 34 to 50, 51 to 65, 66 to 80, 81 to 100 नॉन कंटिन्यूअस क्लास है, टोटल आपका दिया गया है राइट 80। 0 to 6, 16, 40,
एट टेन टोटल 18 ग्रेड है, ग्रेड ई डी सी बी ए और यहां कुछ नहीं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू ऑब्टेन द ग्रेड डी, ग्रेड डी ऐसे क्वेश्चन। डी के सामने क्या है 16, टोटल कितना है 18, आंसर आया 1/5, वेरी सिंपल राइट। नंबर 9, समेशन और डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, समेशन। और अच्छा क्वेश्चन है, अंदर से एक्सट्रैक्ट करके रखा है, रनिंग आउट ऑफ टाइम का मैसेज आ गया है मेरे पे। समेशन और डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, ऑलवेज इरेशनल, इज ऑलवेज इरेशनल। अब मुझे आप ध्यान से सुनो, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इरेशनल राइट, जैसे कि 2 × √2, डिवीजन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इरेशनल, सब्ट्रैक्शन हो के समेशन हो, एक रेशनल एक इरेशनल, ऑलवेज इरेशनल, ऐसे छोटे मोटे रूल याद रखने के राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 10 क्या है आपका, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। थियोरिटिकल क्वेश्चन अच्छे हैं, a1 upon a2 = b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2, then these equations are कौन से है, empty है, कौन से equation है जिल सर, 9 वापिस समझाओ। समेशन और डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, 2 − √2, ऑलवेज इरेशनल, एक रेशनल एक इरेशनल, 2 + √2, 5 + √3, 5 − √2, सभी के सभी क्या हुए इरेशनल, एक रेशनल हो और इरेशनल हो तो आपको क्या मिलेगा, ऑलवेज, चाहे तो मल्टीप्लीकेशन हो राइट, चाहे के डिवीजन हो, एडिशन हो के सब्ट्रैक्शन हो, सब में एक रेशनल और एक इरेशनल हो तो आंसर आएगा इरेशनल। ये राइट हैंड साइड पे डार्क लेटर में लिखा है। चलो यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे भाई, कौन सा क्वेश्चन था, हाँ तो एम्प्टी सॉल्यूशन आएगा और पैरेलल लाइन आएगी बराबर, नॉन कंपेटिबल भी बोलते हैं इसको, अच्छा वर्ड है नॉन कंपेटिबल। और अगर आपका यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट हो तो कॉम्पेटिबल बराबर, ओके हाँ, इनकंसिस्टेंट भी बोलते हैं जिसका दूसरा वर्ड नॉन कंपेटिबल। बच्चे यहां बहुत होशियार है, फॉर एन एनी एपी an - an-1 इज नोन एज, चलो अभी अभी समझाया, अब तो बोलो an - an-1 डिफरेंस, एब्सोल्युटली, पर कैसा डिफरेंस भाई, कैसा डिफरेंस, यस जनरल डिफरेंस या तो कॉमन डिफरेंस, इट इज सेड टू बी जनरल और कॉमन डिफरेंस। जनरल डिफरेंस लिखोगे तो भी चलेगा, कॉमन डिफरेंस लिखोगे तो भी चलेगा, वेरी गुड क्वेश्चन। नंबर 12, सॉरी सर को कोरोना हो गया ऐसा लगता है, सर यू आर हैविंग कोरोना, नो आई एम नॉट कोरोना। P 0.0
ए एक्स कॉमा वाई फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन को हमने 0 0 ले लिया है। डिस्टेंस फॉर्मूला से पी ए इक्वल टू 0 - x² + 0 - y² अंडर रूट में x² + y² कोई बाहर निकाल के x + y नहीं लिखे, वो रॉन्ग आंसर होगा। बाहर निकाल के कोई भी ऐसा नहीं लिखे, सॉरी। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, वेरी गुड क्वेश्चन नंबर 13। इफ ए नंबर, ये आप लोग करेंगे और मुझे बताएंगे, इज डिवाइडेड बाय 61 क्वेश्चन 27 एंड रिमाइंडर 32 ऑब्टेन, रिमाइंडर 32 ऑब्टेन, फाइंड दिस नंबर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मीटिंग में कई लोग बैठते नहीं और वीडियो तो देखते ही नहीं है। आई नीड योर हेल्प, मैं रुकता हूं एक मिनट, हमारे टाइम भी कम है, 4 मिनट की ड्यूटी है। इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 61, आपके पास पी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स, लो कुछ तो समझा लिया। अब आप मुझे एक मिनट में रुकता हूं, आप मुझे करके बताओ, चलो कम ऑन फास्ट। कोई है? 1679, वाओ, चलो 1679 लाए कैसे वो भी बता दो। 1679 लाए कैसे? सॉरी हाँ, व्हाट इज क्वेश्चन 27 डिवाइडेड बाय 61 रिमाइंडर 27 61 जा, वन सिक्स फोर सेवन में तो जाओ बच्चे लाए 1679, गुड, वेरी गुड। मेथड भी बता दी, बोलो। स्टिल वी हैव गॉट 2 मिनट टू गो। नंबर 14, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए सी कॉमा 0 एंड बी 0 - c? ए बी स्क्वायर इक्वल टू c - 0² 0 + c² c² + c² मतलब के 2c² मतलब के डिस्टेंस कितना आया, ए बी इक्वल टू 2 का √2 और इसका c, आंसर कितना आया √2c। 15, अब थोड़ा फास्ट 15, अगर आपके पास क्वेश्चन है तो ठीक है, इसके पहले राइट एक ओरल क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं आपको। ओरल क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स कॉइन टॉस बाय ए कॉमेट डी बफेन, क्वेश्चन 16, हाउ मेनी टाइम कॉइन टॉस बाय कॉमेट डी बफेन, इज एनीबडी इज नोइंग, इट इज 40 40। आई रिपीट, ऐसे क्वेश्चन भी ये लोग पूछ लेते हैं, 40 40 कॉमेट डी बफेन राइट, हाउ मेनी टाइम्स, तो के आपको ऐसा बोला गया है के 40 40 टेक्स्ट बुक के पहले ही पेज पे मिलेगा। एंड लास्ट क्वेश्चन टुडे, हमारे पास एक मिनट ही है, तो क्लास एंड फ्रीक्वेंसी 10 to 15 15 to 20 20 to 25 35 to 30 35 to 35 and 35 to 40, बोलू कुछ भी लिखता बराबर हूं, 30 35 75 40 30 एंड 15। मॉडल क्लास आपको फाइंड करके बताना है,
यू हैव गॉट वन लेस देन वन मिनट, मीटिंग खत्म होने वाली है. मॉडल क्लास फटाफट, मॉडल क्लास, मॉडल क्लास नथिंग बट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने का क्लास 20 to 25. थैंक यू वेरी मच बच्चों, गुड बाय.